दक्षिण अफ्रीका में 5 गुना तेजी से बढ़ रहा ओमिक्रॉन, हर चौथे सैंपल की रिपोर्ट आ रही पॉजिटिव। ओमिक्रॉन के चलते साउथ अफ्रीका में चौथी लहर की शुरुआत। भोपाल में फिर वायरल हुआ गंदे पानी से सब्जी धोने का वीडियो, नाले के पानी से सब्जी धोते हुए दिखाई दे रहा दुकानदार, लोगों की सेहत से कर रहा खिलवाड़। पन्ना के मजदूरों की चमकी किस्मत, उथली खदान में एक ही दिन में मिले 7 हीरे, सबसे बड़े हीरे की कीमत 60 लाख रुपए। विदिशा में धर्म परिवर्तन को लेकर मिशनरी स्कूल पर हमला, हिंदू संगठनों ने 8 बच्चों के धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप, परीक्षा के दौरान स्कूल में की गई तोड़फोड़। और एक ग्वालियर में छात्र के पेट में निकली 27 कीलें, डॉक्टर बोले 25 कीलें आमाशय से निकली, 2 कीलें फंसी दी छोटी आंत। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक ली, जिसमें सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए और कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, हमारा प्रयास यह है कि लॉकडाउन की स्थिति निर्मित ना हो और अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से चलती रहे। इसके साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में लाभान्वित करने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने का अनुमोदन किया गया। आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मुख्यमंत्री द्वारा सभी सम्मानित मंत्रियों को तीसरी वेव के बारे में जानकारी और आवश्यक सूचनाएं एवं निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद में, उसके बावजूद भी समस्त प्रभारी मंत्री अपने जिले की समीक्षा तीसरी वेव को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की करें, अस्पतालों का निरीक्षण करें, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन ब्लेड, ऑक्सीजन लाइन, वेंटिलेटर, कंसल्टेटर, इन सभी विषयों की जो इमरजेंसी सेवाओं में आती है उन सब की वो समीक्षा करें। सेकेंड डोज 70% के आसपास संपूर्ण मध्य प्रदेश की हो गई है, फिर भी कल से महाअभियान सेकेंड डोज का चलेगा। स्थानीय मंत्री, स्थानीय जिले का और प्रभार के जिले का, दोनों का समस्त मंत्रीगण समीक्षा करें, धर्मगुरुओं से भी अपील कराएं, हमारे जो वैक्सीनेटर सेंटर हैं उनकी समीक्षा करें, सामाजिक संगठनों से इसकी अपील कराएं। इस सब की समीक्षा करने का आज स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। निर्णयों के अंदर हमारे ग्वालियर व्यापार मेले का जो प्रबंध और नियंत्रण बाबत जो व्यापार मेला प्राधिकरण था, उसमें जो वाणिज्य और उद्योग विभाग था, उसके स्थान पर सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग स्थापित करने का भी आज शाब्दिक संशोधन किया गया है। छिंदवाड़ा के अंदर जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है उसका नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने का आज तय किया है। ये आपको ध्यान होगा 18 सितंबर में इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए आज लोहारपुर तहसील मुरार जिला ग्वालियर के स्थित पार्ट ए कुल 13, पार्ट की बी कुल बिता 4 एवं पार्ट सी कुल बिता 46, इस प्रकार कुल 63 कुल रकबा 57.952 हेक्टर शासकीय भूमि शून्य प्रव्याजी एवं 1 रुपया वार्षिक भू आवंटन पर देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय ग्वालियर की दृष्टि से हुआ है।
विमान सेवाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण निर्णय है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन और नीति विशेष संघ संस्थान है, उस संस्थान में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर अशासकीय व्यक्ति की नियुक्ति करने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। विधानसभा के बाद में एक चिंतन बैठक मंत्रिमंडल की भोपाल से बाहर रखने की भी चर्चा हुई है। कैबिनेट के अन्य विषयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि हमारे जो वन क्षेत्रों के अंदर लोग रहते हैं, उन सभी को अभी तक 10 लाख रुपए जो विस्थापन होता था उसके दिए जाते थे, अब उसे एक साथ बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे दो लाभ बड़े हैं। एक तो वन क्षेत्र को लाभ मिलेगा इससे, दूसरा वो जो दूरस्थ अंचलों में जो रहते थे उनका जीवन भी सुरक्षित होगा और संवर्धित भी होगा। इसलिए आज ये वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत पुनर्वास के इस प्रावधान को इसमें बढ़ाया गया है। गंज बासौदा के सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रों का धर्मांतरण कराने का हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पर पथराव कर दिया। इस दौरान संगठनों ने स्कूल टीचरों पर भी धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं, जिसमें अभी स्कूल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि मामले में कार्रवाई करने के उन्होंने आदेश दिए हैं। नगरीय विकास तथा आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई बैठक की जानकारी दी। मंत्री सिंह ने बताया कि सीएम शिवराज 10 दिसंबर को सागर पहुंचकर स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा करेंगे और दिसंबर जनवरी के लिए सभी अन्य स्मार्ट सिटी वाले स्थानों में जाने की योजना बनाई जा रही है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय कुछ चहेते ठेकेदारों को बिना किसी नियम प्रक्रिया के करोड़ों के ठेके दे दिए गए, जिन कामों की आवश्यकता नहीं थी वो काम स्वीकृत किए गए और करोड़ों रुपए इस तरह से स्मार्ट सिटी के बर्बाद करने का काम कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया। 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सागर जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो स्मार्ट सिटी के कामों को देखेंगे भी और भविष्य में हमें वहाँ पर स्मार्ट सिटी में और क्या काम करना है ये निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं, वहीं 13 लोग ठीक हुए हैं, साथ ही 140 एक्टिव केस हैं। वहीं कहा कि फिल्मों पर गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है, शूटिंग के पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। साथ ही मिश्रा ने कहा कि सीएम कह चुके हैं कि विदेशी फंडिंग के गलत उपयोग की जांच की जाएगी और पीएफआई जैसे संगठन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मिश्रा ने पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भी पलटवार किया है। कोरोना के क्षेत्र में हम अगर पिछले 24 घंटे देखेंगे तो 24 घंटे में 16 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गए हैं। प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 140 है, जबकि
पॉजिटिविटी रेट अब 0.03% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल हमारी टेस्टिंग 50,796 संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर उसके टेस्ट लिए गए हैं। संपूर्ण निगाह हमारी कोरोना पर लगी हुई है। जैसा मैंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम तीसरी लहर को ना आने दें। ये इनकी पुरानी दो मुही नीति कांग्रेस की है। कमलनाथ जी कुछ कहते हैं और तनखा जी कुछ कर रहे हैं। चोर से कहें चोरी करो, साहूकार से कहें जगते रहो, ये स्थिति जो इनकी कांग्रेस की है अब जनता समझ गई है। चुनाव से पलायन हमेशा कांग्रेस करती आई है। आज भी जो माननीय तनखा जी न्यायालय में गए हैं उसके पीछे भी यही है कि ये डर रहे हैं चुनाव से। हमने गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है। ये जो बाहर के शूटिंग करने वाले टीटी वाले आ जाते हैं और दूसरे शूटिंग वाले आते हैं, इस पर हमने गाइडलाइन तैयार कर दी है, जल्दी जारी करने वाले हैं। जैसा मैंने पूर्व में लाइन इसकी नीति बनाने का कहा था, अब प्रदेश के अंदर जो भी बाहर से ये शूटिंग करने आएंगे वो स्थानीय स्तर पर कलेक्टर महोदय से अनुमति लेंगे और उसके बाद में उसकी शूटिंग करेंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रतलाम जिले में भी प्रशासन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं और कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा से लौटने वालों को क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका घर कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में आएगा। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर सहित जिला अधिकारी मौजूद रहे। श्योपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के परिवर्तन की हेराफेरी को लेकर ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन में बताया कि जिस जगह पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा उसका प्रस्ताव और बजट दोनों पास हो चुका है। कलेक्टर शिवम वर्मा और विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज उठाई जाएगी, जहां जमीन प्रस्तावित की गई है वहीं पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। क्योंकि ये संज्ञान में लाया गया था कि इस प्रकार से वहाँ डूब के क्षेत्र है, इस प्रकार से तो हमने बस ये कहा था कि उसको देख लेंगे। पर क्योंकि ये संज्ञान में लाया गया था कि इस प्रकार से वहाँ डूब के क्षेत्र है, इस प्रकार से तो हमने बस ये कहा था कि उसको देख लेंगे, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव चेंज करने का प्रति कोई ऐसा कोई निर्णय नहीं है, पुराना प्रस्ताव ही प्रभावशील है। मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ था और मध्य प्रदेश विधानसभा में ये स्वीकृत हो गया, बजट में आ गया, इसका टेंडर हो गया। ये हमारी कमलनाथ जी ने ये सरकार आवंटित की थी 25 एकड़, और उसका पूरे सर्वे हो चुका था। तो ये बाढ़ का बाइना है, अगर ये भूमाफिया कोशिश कर रहे हैं तो उनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरे साथ पूरी ग्रामीण और शहर की जनता है और शहर का विकास मेडिकल कॉलेज से शहर बढ़ेगा। बाईपास रोड माँ के निकल रहा है, रेलवे लाइन उधर से निकल रही है। अगर इसके माए हेरा फेरी की गई तो हम न्यायालय में फूकेंगे और हंगामा आंदोलन करेंगे। पुष्पराजगढ़ के बिहार घाट में सुबह 6 बजे से जाम लगा हुआ है। एक ऑयल से भरा टैंकर मोड़ पर फंस गया है, जहां टैंकर से ऑयल का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते रहवासियों के लिए मुसीबत बन गई है। एक तरफ किरर घाट मार्ग क्षतिग्रस्त होने से बीते 8 जुलाई से रास्ता बंद है, जिसके चलते आवागमन नहीं हो पा रहा है। देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जो है, इधर टैंकर फंसा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी अभी आ चुके हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अभी पहुंच चुके हैं। अब वो क्या व्यवस्था करते हैं क्या व्यवस्था नहीं करते हैं ये थोड़ी देर में बाद पता चल जाएगा। बहरहाल यहाँ की कंडीशन जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से भीड़ भाड़ लगी हुई है, किस तरह से सड़कों पर ऑयल बहा हुआ है। यहाँ तक कि ये कंडीशन है
कि ऑयल की वजह से मोटरसाइकिल तक निकलना एकदम मुश्किल हो जाता है, बहुत ही दिक्कत वाला विषय बन चुका है, बहुत ही ज्यादा जो है ऑयल सड़कों पर बह चुका है और दुर्घटना होने की संभावना कंटिन्यू बनी हुई है। मौके पे प्रशासनिक अधिकारी जतरी थाने से पहुंच चुके हैं, हम उनसे भी बात करने की अभी जानने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क के सरही गेट में बाघ चीतल का शिकार करता हुआ दिखाई दिया। सुबह पर्यटकों को सफारी के दौरान यह दृश्य देखने को मिला, जहां मौजूद पर्यटकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों पार्क में लगातार बाघ नजर आ रहे हैं, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अबे क्या वीडियो है, मेरे को ही देख रहा हूँ। लो 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 भैया, बिल्कुल मछली होगी तो आ भी सकता। जमुना कोतमा भाजपा मंडल पसान के जमुना कॉरपोरेटिव चौक में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। वक्ताओं ने चित्र पर माल्यार्पण कर बाबा साहब के व्यक्तित्व को याद किया, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके पद चिन्हों पर चलने की सीख दी। मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके व्यक्तित्व को अपनाने की जरूरत है। अनुसूचित जाति वर्ग में ही उनका जन्म हुआ था। जिंदाबाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सुजालपुर के ब्लॉक कांग्रेस ने भारत रत्न में से विभूषित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई, जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े रचनात्मक तथ्यों पर प्रकाश डाला और बाबा साहेब के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। हम सब लोग यहाँ पर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए, बाबा साहब को पुष्पांजलि कर गए। हम सब लोगों ने उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। बाबा साहब एक ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया और उनके द्वारा बनाया गया संविधान से आज भारत ने पूरे विश्व में एक विकास और डेवलपमेंट हुआ है। और आज गरीब और अमीर सबकी जो बीच में खाई थी वो उन्होंने पार्टी और वो खत्म हुई। अशोकनगर जनजागरण यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह सोमवार को अशोकनगर क्षेत्र के कुछ ग्रामों में पहुंचे, जहां ग्राम सेमरा पहाड़ में उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने एक और बढ़ती महंगाई, खाद्य संकट और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर एक मर्तबा फिर से बिकाऊ और गद्दार वाले मुद्दे को हवा देते हुए सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों पर जुबानी हमले किए। इतिहास गवाह है, आप चाहे बात करो रामायण की या बात करो महाभारत की या बात करो आज के समय की, जिसने भी पाप करके राज करने का प्रयास किया है वो कभी जनता का भला नहीं कर पाएगा। आप खुद देखिए, इन लोगों ने, सिंधिया जी ने खुद को और उनके जो विधायक थे, उनके जो मंत्री थे, उनको बेचकर सरकार बदलवाई बीच कार्यकाल में। और जब से सरकार बदली है क्या कुछ भला जनता का हुआ है क्या? भोपाल में एक बार फिर गंदे पानी से सब्जी धोने का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो भोपाल के रोहित नगर का बताया जा रहा है, हालांकि खबर भारत चैनल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी भोपाल में नाले के गंदी पानी से सब्जी धोने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बाद भी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
बैरसिया में मां शक्ति दुर्गा मंदिर में महाआरती का भव्य आयोजन हुआ। बलिदानी कार सेवकों के सम्मान में मां शक्ति के दरबार में संकल्प सहित दीपदान किया गया। इस अवसर पर रामा दलम ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भारत रत्न दिया जाए और निर्दोष कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को आतंकवादी घोषित किया जाए। दीपदान महान करे से श्री रामचंद्र भगवान की। आज हम सबसे पहले तो सनातनी स्वर दिवस की संपूर्ण सनातन परिवारों को, पूरे भारत के, पूरे विश्व के सनातनी परिवारों को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही केंद्र सरकार से मांग करते हैं, हमारे निर्दोष निहत्ते कार सेवकों की हत्या करने वाले मुलायम सिंह यादव को आतंकवादी घोषित किया जाए। साथ ही कल्याण सिंह जी जैसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए। और तीसरी मांग, जो बलिदानी कार सेवक बलिदान हुए थे उनको वे सारी शासकीय सुविधाएं दी जाएं जो सेना में शहीद होने वाले जवानों को दी जाती है। ये हमारी केंद्र सरकार से बात है और मांग है, और हम मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हमारी बात केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचाए। जय जय श्री राम। सन 1992 में 6 दिसंबर के रोज जो कलंक हमारे हिंदुस्तान की धरती पर हमारे हिंदू वीरों ने मिटाया था, उसके उपलक्ष्य में रामा दलम मध्य प्रदेश के द्वारा एक महाआरती का आयोजन किया गया जिसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें रामा दलम के बहुत सारे हमारे साथी उपस्थित रहे, हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी उपस्थित रहे। चलिए अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। पन्ना के मजदूरों की किस्मत चमक गई है, जहां कृष्णा कल्याणपुर की एक उथली हीरा खदान में 13 कैरेट का बड़ा हीरा मिला है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस हीरे के मिलने से मजदूर मुलायम सिंह गौड़ और उसके 6 अन्य साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इतना ही नहीं, 6 अन्य हीरे भी मिले हैं जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इनकी वास्तविक कीमत नीलामी के समय ही पता चल पाएगी। खेती करते हैं और खदान भी करते हैं और आज बहुत खुशी है। क्या हो गया? हीरा साहब मिल गया। कहाँ मिला, कैसे हीरा खोदते हैं? पट्टी में मिला और साहब अब जैसी खोदी जाती है वैसी खोदी। तो कितना बड़ा हीरा मिला? 13 कैरेट चंगन से। क्या करेंगे इस पैसे का? अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के बच्चों के पढ़ाई में लगाएंगे और जो बचेगा तो अपना खेती बाड़ी का भी बढ़ाएंगे कुछ। तो ये हीरा जब दिखा तो कैसा लगा था जब पहली बार देखा? जी साहब, मिला तो लगा कि बहुत खुशी आई कि भगवान ने आज मान लो सुनलाई, इतने दिन करते हो गए। जी सर। तो फिर किसको बताया और क्या मन में लग रहा था? अब घर में बताया। हाँ, जी सर, घर में बताया कि मिल गया है हीरा, भगवान ने दे दिया है। हाँ, हाँ। किशोर जी महाराज ने, और अब जमा करेंगे। तो इतना बड़ा हीरा पहले कभी देखा था? नहीं सर, देखा है। कितने पार्टनर थे? 6 पार्टनर सर। 6 पार्टनर, अब क्या करेंगे 6 पार्टनर? अब साहब अपना अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो मन में कैसा लग रहा है? दिल में साहब बहुत उमंग है कि भगवान ने बढ़िया सुनी हमारी। मान लो 60 की जमका थे तो बड़ा अच्छा भगवान ने करा। इससे तो लाखों रुपए मिलेंगे। जी सर, अच्छा लग रहा है। जी सर, ये मुलायम सिंह आदिवासियों को हीरा प्राप्त हुआ है। ये खदान क्षेत्र पट्टी से प्राप्त हुआ जिसका वजन 13 कैरेट 54 सेंट है। ये उज्ज्वल किस्म का हीरा है और आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। एक बार पुनः बताएं क्या वजन है और कीमत क्या होगी? कीमत भी जब नीलामी सुनिश्चित करेंगे तब रखी जाएगी। इसका वजन 13 कैरेट 54 सेंट है। किसको मिला है? ये मुलायम सिंह आदिवासी खदान क्षेत्र पट्टी से। और आज टोटल कितने हीरे जमा हुए हैं? आज 4 लोगों के बीच में 7 हीरे प्राप्त हुए हैं जिनका वजन 6 कैरेट 4 कैरेट 43 सेंट 34 74 समथिंग है। मतलब आज तो डायमंड डे हो गया। बिल्कुल, आज डायमंड डे हो गया। तो जो यहाँ का हीरा का उत्पादन होता कैसे होता है और विक्रय वगैरह प्रक्रिया कुछ? यहाँ पे 200 रुपये चालान जमा करके हीरा पट्टा प्राप्त किया जाता है और मिट्टी खोद करके ग्रेवल इसकी धुलाई मचाई की जाती है जिससे हीरा प्राप्त होता है। फिर उसको अगर हीरा प्राप्त हो जाता है तो कार्यालय में आके इसको जमा किया जाता है और नीलामी पश्चात इसका विक्रय होने का जो भी भुगतान होता है 12.5% काट के भुगतान किया जाता है। मतलब हीरा की संपूर्ण राशि हीरा मालिक को मिलेगी? 12.5% काट के संपूर्ण राशि।
बुंदेलखंड के राम की नगरी ओरछा में राम जानकी के विवाह महोत्सव को लेकर नगर के लोगों में भारी उत्साह है। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर महोत्सव को छोटे स्तर पर करना प्रस्तावित किया है। बुंदेली रीति रिवाजों से रामराजा सरकार का विवाह होगा। 7 से 9 दिसंबर तक आयोजित इस पारंपरिक विवाह महोत्सव की तैयारियां मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर की जा रही है। मंदिर परिसर से दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा। वहीं श्री रामराजा मंदिर परिसर, जानकी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर से LED पर रामराजा को लाइव भी दिखाया जाएगा। देखिए, आपको विदित है कि हर वर्ष यहाँ रामराजा सरकार के विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। इस बार भी ये उत्सव मनाया जा रहा है। आज से ये उत्सव शुरू हुए। आज तेल और इत्यादि का कार्यक्रम भगवान को रहेगा, जो पंडित जी अपने मंदिर में अपने स्तर से करते हैं। कल मंडप और मंडप का भोजन और इत्यादि जो कार्यक्रम होते हैं हल्दी वगैरह के, वो रहेंगे। और परसों जो है 8 तारीख को श्री राम विवाह उत्सव के लिए जो प्रोसेशन होता है, जो बारात होती है, वो निकलेगी। शाम को लगभग 7-1 बजे से निकलेगी, जो रात तक चलेगी। इस तरह से है। जहाँ तक बात विवाह की तैयारियों की है, तो हमने हर बार से थोड़ा अलग इस बार करने का कार्य किया है, ताकि इसको भव्यता मिल सके, लोगों में उत्साह हो सके और आने वाले समय के लिए एक अच्छा कदम साबित हो। इसके लिए हम लोगों ने श्री राम के जो जीवन पर जो विभिन्न वृत्त चित्र हैं, वो उनको मार्ग पे लगाया है। झंडे और दूसरा जो लिग्गियाँ होती, जिसको चांदनी भी बोलते हैं, जो रोड पे सजावट के काम आती है, वो भी किया है। निश्चित रूप से कोरोना का प्रकोप है, तो इस बार हम लोगों ने जिसको बोलते हैं प्रतिभोज का कार्यक्रम, वो निरस्त करके प्रसाद की व्यवस्था की है, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और चूंकि कोरोना है, ऐसी स्थिति में मंदिर प्रशासन का सबसे अनुरोध है कि अपने यथासंभव अपने घरों से बैठकर दर्शन का लाभ लें। जिले में रेत के काम में लगी पावरमेक कंपनी ने जाजना रेत खदान पर काम बंद कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि यहां पर काम कर रहे मजदूर बेरोजगार हो गए। इन लोगों ने तहसीलदार, जिला खनिज अधिकारी सहित थाना प्रभारी को आवेदन देकर फिर से रेत कंपनी का कार्य शुरू करवाने की अपील की है। हमने ज्ञापन दिया है, यह रेत खदान जो चल रही है उससे हमको रोजगार मिल रहा है। ये 3-4 रोज से बंद है, तो उससे हम बेरोजगार होकर बैठे हैं, इसलिए अच्छा। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अभी 3-4 रोज से बिल्कुल ये रेत कंपनी का काम बंद है जी। जी सर। और आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है जी। सर, काम कहाँ से मिलेगा सर? अगर कंपनी का काम बंद रहेगा तो हमको भी नहीं मिलेगा वो तो। नहीं तो अभी आपके ही कुछ गाँव के लोगों ने आवेदन दिया था, इसलिए शायद काम बंद करवा रखा है जी। जी, तो क्या गाँव वाले वो क्या चाह रहे हैं सर? वो चाह रहे हैं, वो खुद भी रेत बेचते हैं और क्या, और हम मजदूर लोग हैं, रेत भरते हैं। आप लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही काम बंद होने के कारण। ठीक। के बाद प्रशासन ने आखिरकार सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। खबर भारत से मौत की घटना की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने अधिकारियों की आपत्तिकालीन बैठक बुलाई, जहां आबादी के नजदीक अवैध उत्खनन से हुए गड्ढों के आसपास पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के आदेश दिए। साथ ही कहा कि क्षतिग्रस्त विद्यालय, छात्रावास या अस्पताल सहित अन्य विभागों के भवन को डिसमेंटल कराया जाए। सड़कों के बीच एकदम किनारे पर बने हुए कुएं और गड्ढों को तत्काल बंद कराया जाए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।